नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन की अगुवाई में पंचकुला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नजर अब देश की सेना को लग गई है। सरकार की अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। ये योजना सेनाओं की कार्यक्षमता, निपुणता, योग्यता, प्रभावशीलता, सामर्थ्य से समझौता करने वाली है। पलवल, रेवाड़ी समेत कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। ये अत्यंत निंदनीय है। योजना का देश भर में युवा लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे वापस लेने की बजाय अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार इस योजना को तुरंत वापस ले। पंचकुला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सत्याग्रह में बोलते हुए पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कहा कि रोहतक में सचिन नाम के नौजवान ने अग्निपथ योजना से आहत होकर आत्महत्या कर ली। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। देश की तीनों सेनाओं में 2,55,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। भाजपा सरकार ने 2 साल से सेनाओं की भर्ती रोक रखी है। युवाओं में भारी बेचैनी है और हरियाणा एवं पंजाब के कई युवा भर्ती न होने के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए हैं। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।